हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, सुबह सुबह का टाइम, और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपने क्लीनिंग का रूटीन। सुबह की जो घर की मेरी साफ़ सफाई होती है वो किस तरीके से होती है, क्या रूटीन होता है मेरा। तो आई होप बहुत छोटा सा वीडियो है, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आज कई दिनों के बाद धूप निकली है, तो मैं यहाँ से बेडशीट वगैरह को धोने के लिए निकाल ले रही हूँ, और ये गद्दा जो है इसको बाहर सुखा के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी देखिए, कपड़े जो मुझे धोने वाले हैं वो सब मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी देर ना इनको सर्फ में भिगो के रख दूँगी, जब तक घर की झाड़ू वगैरह क्लीनिंग करूँगी, थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, उस टाइम तक ना ये अच्छे से सर्फ में भीग लेंगे तो धोने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो हैवी कपड़े हैं, हाथ से धोती हूँ, इनकी ड्रेस वगैरह भी है, और ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसीलिए। तो और ये देखिए, आज आ गया इनका नंबर भी, तो धूप निकली है तो मैंने सोचा इनको भी धो देती हूँ। तो मुझे अभी ये सब भी धोने हैं, जूते वगैरह पूरे, इनको पानी में थोड़ी सी देर भिगो के रख देती हूँ इनको भी, और फिर मैं बाद में जब कपड़े धोऊंगी साथ में, तो बच्चों के जूते चप्पल हैं और इनके जूते हैं इसमें, और बच्चों से ज़्यादा ना इनके गंदे हैं। तो ये देखिए, अभी फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और ये फैन चल रहा था ना वही मैंने बंद किया है। तो अभी यहाँ से मैंने बिस्तर हटा दिया है, तो मैं इसके जाले वाले भी निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत, वैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत जाले वगैरह लग ही जाते हैं। तो बिस्तर तो अभी हटा चुकी हूँ, गद्दे को बाहर सुखा के आ गई हूँ, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है तो वो भी सूख जाएगा, तो अंदर में थोड़ा सा सीलन जैसा हो जाता है। तो ये देखिए, अभी आपने मेरा फ़ैन भी देखा कितना गंदा हो गया। ये ना इस टाइम पर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, सर्दी में जब चलते नहीं हैं तो उतने गंदे नहीं होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर तो, और फिर वाइट कलर है, और ये बहुत जल्दी गंदा होता है, बहुत जल्दी। तो बस एक बार मैं इसको अच्छे से इस तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, और फिर मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो एकदम से साफ़ हो जाएगा। ये जाले वगैरह तो मैंने सारे इसके निकाल दिए हैं, और ये ना थोड़ा सा नीचा है तो ये आसानी हो जाती है, नहीं तो कभी ऊंचा होता है तो फिर पोंछने करने में भी दिक्कत तो होती है, और इसलिए मैंने सिर से ओढ़ रखा है। ये देखिए, एकदम चमक गया ना मेरा पंखा भी, बिल्कुल चमक चुका है। तो बस अभी यहाँ पे जो इसमें, यहाँ पे बेडरूम वाला रूम है जो मैं ये साफ़ कर रही हूँ, तो इसमें ये शीशा है तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन ये क्या है, इस पे ज़्यादा दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, ये हमारा इतने यूज में नहीं आता है तो ये साफ़ ही रहता है, लेकिन जो एक उधर बाथरूम साइड है वाश बेसिन के पास, वो बहुत जल्दी पानी के धब्बों से ना बहुत गंदा हो जाता है। तो कॉलिन से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। और सबको साफ़ करने के बाद ना अभी मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और जो कचरा दिख रहा है ना, ये कचरा ना पूरा फ़ैन से गिरा है, क्योंकि फ़ैन ना थोड़ा सा गंदा हो गया था तो अभी मैंने साफ़ किया है। और इस रूम में ना अभी बहुत सामान हो गया, तो थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी सारा सामान इन्होंने रख दिया है, मतलब बाहर से बॉक्स वगैरह इसमें ही रख दिए हैं। तो बस फटाफट से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में इधर, क्योंकि यहाँ के मौसम का ना कोई भरोसा नहीं होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर धूप अभी अच्छी खासी निकल रही है, तो पोछा वगैरह लगाऊंगी, ये भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इन सबको मैं धो देती हूँ, ये चप्पल जूते वगैरह और कपड़े वगैरह, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे दोपहर तक, क्योंकि इनकी ड्रेस ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इस वजह से। तो पहले मैंने अभी सिंपल पानी में इनको भिगो के रख दिया था, तो फटाफट से इनको मैं साबुन लगा लगा के ब्रश से साफ़ कर दूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और फिर यहाँ ना कैमरा थोड़ा अच्छे से सेट करने की जगह नहीं बन थी, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ का सूट नहीं किया है, क्योंकि नहीं तो फिर कहीं मेरा फ़ोन ही गिर जाता तो सब बेकार ही हो जाता, तो इस वजह से। तो चलिए मैं फटाफट से धो लेती हूँ, इनको धोने में तो लगेगा कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कपड़े वगैरह भी हैं काफ़ी, और धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, फाइनली ये जूते चप्पल सारे धुल चुके हैं, और पीछे बकेट में आपको कपड़े भी दिख रहे होंगे, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। तो इनको क्या करूँगी मैं, बाहर की साहर बाहर में जो है घर के बाहर उधर सुखा दूँगी, और बाकी के कपड़े हैं ना वो ये मैं पीछे की साइड डाल दूँगी घर के, क्योंकि आगे पीछे आपने देखा है दोनों तरफ डोर है, लेकिन आगे क्या होता है ना, धूप थोड़ी सी देर रहती है, 12 बजे के बाद आगे से धूप निकल जाती है, तो इस वजह से। तो ये देखिए, मैं इस शीशे की आपसे बात कर रही थी, ये यहाँ इतना गंदा जाता है, क्योंकि यहाँ शेविंग वगैरह करते हैं ना खड़े होके, और कोई भी हो, हम भी हाथ मुंह धोते हैं तो इससे पानी के छींटे जाते हैं, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ।
और यहाँ पे देखिए वाश बेसन को भी मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा डेली साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन डीपली क्लीनिंग में जब मुझे जैसे टाइम होता है मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। लेकिन वाश बेसन भी ना बच्चे बहुत यूज़ करते हैं तो ये भी गंदी हो जाती है। तो ये देखिए एकदम से चमक गई ना अभी, और ये देखिए हमारा शीशा कितने अच्छे स्कॉलिन से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी ये सारी साफ़ सफाई मेरी जो हल्की हल्की थी वो सारी हो चुकी है। तो अभी फटाफट से मैं लगा दूँगी पोछा, बस अभी पोछा नीचे लगाना बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और साथ साथ में इन लोगों को भी शौक चढ़ा है। बच्चे ना जब काम करने लायक हो जाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है करेंगे नहीं, लेकिन अभी नहीं है। मैं कितना भी मना कर रही हूँ बस आगे पीछे लेके घूम रही हूँ। और मैं ना वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी अब आदत जैसी बन गई है। पहले तो मैं हाथ से ही लगाती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे आलस जैसा आता है हाथ से लगाने में। और सबसे बड़ा ना हाथ से मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी झाड़ू लगा लूँ, लेकिन झाड़ू के बाद ये देखिए अभी आपको यहाँ कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना बाल हैं। पता नहीं कहाँ से बाल कितनी भी अच्छी झाड़ू लगाओ फिर भी रह जाते हैं, तो और ज़्यादा फिर घिन जैसा आता है पोछा लगाने में। तो इसीलिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और छोटा सा तो घर ही है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा जब अच्छे से करिए तो टाइम तो लगता है। मैं और आपने देखा होगा अभी जब थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, उस टाइम शायद मैं क्लीनिंग करने लगी थी तो 8 बज रहा था, और 8 से और मुझे बच गया था 10 ये सब कामों में, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए, चप्पल जूते धोए, पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, किचन भी क्लीन की। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है किचन में भी, आधा घंटा तो कम से कम हमारी किचन में लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पोछा अभी लग चुका है, तो मैं बस ये पोछे को धो के रख दूँगी, और साथ अभी यहाँ से भी थोड़ा बहुत धो दूँगी। और ये तो मैं डेली यहाँ पे क्लीन करती हूँ, लेकिन ये ना टाइल्स देखिए देखने में बहुत गंदी जैसी लगती हैं, पर ये गंदी नहीं है। पता नहीं क्यों इनका कलर ऐसा चढ़ गया है, ये पोछा लगाने से भी साफ़ नहीं होती हैं। तो ये देखिए बस यहाँ से धो देती हूँ। और आज का वीडियो ना मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है आज का, बस सिर्फ मेरी मॉर्निंग का रूटीन था जो क्लीनिंग वगैरह होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। मैं इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।